स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। ये तमाम खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। दुनिया भर में रहस्यमय कोरोना वायरस का कहर जारी है। विश्व के 10 देशों में फैलने की पुष्टि हो चुकी है। कई देशों में इसके संदिग्ध मिल रहे हैं। इनमें भारत में भी 2 संदिग्ध शामिल है। चीन में फैले वायरस की चपेट में एक भारतीय नागरिक प्रीति महेश्वरी भी आ चुकी है। फ्रांस में भी कोरोना वायरस से संक्रमण के 2 मामले सामने आए हैं। ऐसे में यूरोप में भी इसने दस्तक दे दी है। वायरस से फैलने से रोकने के लिए चीन ने अपने 15 शहरों को 4.5 करोड़ नागरिकों के कहीं आने पर रोक लगा दी है। ये वायरस का खौफ है कि चीन की दीवार के एक हिस्से को बंद कर दिया गया है। यहां की सरकार ने अब तक 41 लोगों के मरने की पुष्टि की है और प्रभावितों की संख्या लगभग 926 के करीब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर मेसियस बोलसोनारो का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। इसके पहले उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को भारत पहुंचे। वो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद बोलसोनारो की ये पहली भारत यात्रा है। जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाएगा। दिल्ली में परेड देखने के लिए लोग दूर दराज से आएंगे। सुरक्षा इंतजाम भी बेहद कड़े होंगे, जिनका असर दिल्ली मेट्रो की सेवा पर भी पड़ेगा। डीएमआरसी ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। आज सुबह 6 बजे से रविवार की दोपहर 2 बजे तक दिल्ली एनसीआर में सभी मेट्रो स्टेशनों के पार्किंग लॉट्स बंद रहेंगे। यहां कोई गाड़ी पार्क नहीं की जा सकेगी और जो गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हैं उनकी भी जांच की जाएगी। मेट्रो की सेवाओं पर भी सुरक्षा कारणों से असर पड़ेगा। बता दें, येलो लाइन और वायलेट लाइन पर शेड्यूल में बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट की सुविधा रविवार दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगी। इसी तरह पटेल चौक और लोक कल्याण भवन मेट्रो स्टेशन पर भी दोपहर 12 बजे तक एंट्री एग्जिट नहीं होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के ललितपुर के किसानों ने खराब हुई फसलों के मुआवजे को लेकर पदयात्रा निकाली। ये पदयात्रा राजघाट गांव से लेकर ललितपुर तक निकाली गई। पदयात्रा निकालकर प्रशासन से मांग की गई कि गांव के किसानों की बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। आपको बता दें कि भारी ओलावृष्टि और बेमौसम बरसात से फसलें खराब हो गई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इसी को लेकर किसानों ने पदयात्रा निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और किसानों के नुकसान की भरपाई जल्द से जल्द कराने की मांग की। आज किसानों ने निम्न समस्याओं को लेकर संपूर्ण कर्ज माफी, किसानों का बीमा क्लेम आदि समस्याओं को लेकर आज राजघाट से ललितपुर जिलाधिकारी कार्यालय तक पदयात्रा की। भारतीय किसानों ने माला पहनाकर उन लोगों का स्वागत किया और अब अगर जरूरत पड़ी तो बाकी उनका पूरा सहयोग करेगी और उनका समर्थन करेगी। जी, पदयात्रा किसानों को जागरूक करने के लिए निकाली जा रही, क्योंकि किसानों का अभी अतिवृष्टि ओलावृष्टि का पैसा, उड़द मूंग की जो फसल नष्ट हुई थी उसका पैसा भी खातों में नहीं आया है और किसान हमारा कोई संघर्ष नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनको नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से हम लोग एक जागरूकता यात्रा निकाल रहे हैं जो आज राजघाट से पैदल चल के ललितपुर मुख्यालय आई है। हम इसका ज्ञापन माननीय डीएम साहब को देंगे और उसमें रखेंगे मांग की हमारी अतिवृष्टि ओलावृष्टि की मुआवजे जल्द से जल्द मिले और बैंकों में जो केसीसी के लिए दलाली होती है वो दलाली बंद हो।
और जो आयुष्मान योजना है उससे किसानों को जोड़ा जाए। और किसान हमारा बहुत कम बिजली जलाता है, लेकिन उसको बराबर महीने का उतना चार्ज देना पड़ता है, इसलिए बिजली की माफ़ किए जाएँ उसके बिल, क्योंकि बहुत कम बिजली जलाता है लेकिन उसको बराबर बिजली जितना शहर का व्यक्ति देता है उतना ही गाँव का व्यक्ति देता है, तो इसमें उसे छूट मिले। और हम ये कहना चाहते हैं कि इस यात्रा के माध्यम से हम हर ग्राम में किसानों को बता गया है कि 8 मार्च को हमारा तुमन मंदिर पे बड़ा कार्यक्रम होगा, उसके उपलक्ष में हम पूरे जिले के किसानों को जागरूक करने के लिए ऐसी रैलियां निकाल रहे हैं। हमारी अगली रैली 29 तारीख को जाखलोन से चलकर ललितपुर जनपद आएगी। कितने चरणों में ये हमारी 8 चरणों में। वही गणतंत्र दिवस से ठीक पहले राज्य प्रशासन ने जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में शनिवार से पोस्टपेड और प्रीपेड पर 2G मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें ब्रॉडबैंड सेवा भी हर शहर और कस्बे में उपलब्ध होगी, लेकिन सशर्त और पाबंदियों के साथ कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को नहीं चला सकेगा। फिलहाल ये सुविधा 25 से 31 जनवरी 2020 तक रहेगी, इसके बाद समीक्षा के आधार पर इसे विस्तार देने पर फैसला लिया जा सकता है। तो वही अगली खबर भी जम्मू कश्मीर से जुड़ी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। त्राल में 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की आशंका है। फिलहाल दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। पुलवामा जिले के त्राल में हरिगाम गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी जारी है। खुफिया एजेंसियों को हरिगाम गांव में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने गांव को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया। घेरा सख्त होता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। बता दें इससे पहले आतंकियों ने शुक्रवार की रात श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में पुलिस पोस्ट को निशाना बनाकर ग्रेनेड हमला किया था। मेरठ में सड़क किनारे बनी चाय की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते लकड़ी की बनी दुकान धू धू कर जल गई। घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई, लेकिन काफी देर तक दमकल की गाड़ी नहीं पहुंची, तो आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी दुकान जलकर खाक हो चुकी थी। आपको बता दें ये घटना थाना नौचंदी के गढ़ रोड पर हुई है। तो वही सीरियल दिल तो हैप्पी है जी की एक्ट्रेस सेजल शर्मा ने अपने घर के पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया है। अभी कुछ ही दिन पहले एक्टर कुशल पंजाबी ने सुसाइड किया था कि अब टीवी जगत की एक और उभरती स्टार ने भी अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। सेजल के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उनके तनाव में होने की वजह सामने आई है। सेजल के को स्टार और दोस्त निर्भय शुक्ला ने बताया कि सेजल अपने पिता की तबीयत के कारण मानसिक रूप से परेशान थी। खबरों में आगे बढ़ते, राजधानी लखनऊ में दी मदर्स लैप वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में द ग्लोबल पार्क में कैलेंडर लॉन्च कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब बच्चों की प्रतिभाओं को समाज में लाना और उनका भविष्य संवारना है। कार्यक्रम में नृत्य के माध्यम से स्कूल चलो का संदेश भी दिया गया। बता दें कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक ने दीप प्रज्वलित कर किया। तो वहीं बृजेश पाठक ने कहा कि इस संस्था की तरफ से बच्चों के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वो सराहनीय है, साथ ही सभी बच्चों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। तो वहीं द मदर्स लैब वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष मानसी प्रीत जस्सी ने कहा कि संस्था लगभग 6 साल से गरीब बस्ती के बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रही है। संस्था अब तक 350 से अधिक बच्चों को स्कूल में दाखिला करा चुकी है। उन्होंने कहा बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनके अंदर की प्रतिभा को बाहर लाने का प्रयास भी
संस्था कर रही है। हमारा एक लक्ष्य है कि गरीब बच्चों के लिए एक पुस्तकालय की शुरुआत करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों को कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं करने दूंगी जिससे उनके मस्तिष्क में कोई विकृत मानसिकता ना उत्पन्न हो। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों में अच्छा कार्य करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें नीम संस्था के सचिव मोहित सिंह चौहान, जया सिंह चौहान, ओमदीप कविता मोटियानी, बॉलीवुड एक्टर नवीन शर्मा समेत अनेकों विभूतियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान लाइव 24 न्यूज चैनल की नेशनल हेड सुकृति दीक्षित और उनकी टीम को भी उनके अच्छे कार्य के लिए सम्मानित किया गया। बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं जो कि जिनको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि देश की मुख्य धारा से जुड़ सकें, और जिस तरह से और बच्चे अपनी दैनिक दिनचर्या में अपना कार्य करते हैं या पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अपने बौद्धिक विकास के लिए विभिन्न तरह के कार्यों में संलग्न रहते हैं अच्छे परिवार के बच्चे, तो वैसे ही मैं भी उनको उनके साथ मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से उनके अंदर के जो भी खूबसूरती है, उनका अंदर का टैलेंट है, उसको निखार के बाहर लाने में मदद कर रही हूँ। साथ ही उन सभी बच्चों को स्कूल में एडमिशन करके, क्योंकि मैं 2 घंटे पढ़ा करके उनका कोई बौद्धिक विकास नहीं कर सकती, इसलिए उनको स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी है। इस बात को आत्मसात करते हुए हम लोग आओ स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत उनको स्कूल भेजेंगे। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव 24। नमस्कार।